क्या आपको भी अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के अंदर जो ऐप डाउनलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए नॉट इनफ स्पेस बोल के दे रहा है गाइस। आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो सिंपली आप कुछ मत कीजिए। ये देखिए आपको डाउनलोडिंग पेंडिंग के भी प्रॉब्लम दे रहा होगा गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको और एक प्रॉब्लम देगा, यहाँ पर फ्री स्पेस बोल के ये देखिए आपको आपके फ़ोन में के जितने भी ऐप्स है वो डिलीट करने के लिए कहेगा, तो आप मत कीजिए। उसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, जैसा कि मैं कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये देखिए सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर ऐप्स में चले जाइए। ऐप्स में जाते ही आपको ये देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको ये देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शंस है मैनेज ऐप्स में चले जाना है गाइस। मैनेज ऐप में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे इंस्टॉल करे हुए वो सब आ जाएंगे गाइस। तो ये देखिए यहाँ पर फेसबुक आ गया है, तो ये देखिए फेसबुक हमारा कितना डाटा यूज़ कर रहा है यार गाइस, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर डाटा मत कीजिए, क्लियर कैच कीजिए। अगर आप क्लियर डाटा कर देंगे गाइस तो आपके फेसबुक का जितने भी आपके फ्रेंड्स वो सब चले जाएंगे गाइस, तो आप क्लियर कैच कीजिए। इसी तरह आप पूरे एप्लीकेशंस में जाकर क्लियर कैच कीजिए गाइस। अगर आप जो ऐप यूज़ नहीं करते उसका क्लियर डाटा भी कर सकते हैं गाइस, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर इतने ऐप्स आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सअप का भी मैं क्लियर कैच कर दूँगा गाइस। तो ये देखिए व्हाट्सअप मैं ओपन कर लिया हूँ, ये देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप का स्टोरेज आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से क्लियर कैच कर लीजिए गाइस। फिर उसके बाद और एक ऑप्शन आपको मैं दिखाऊंगा जो एकदम सिंपली है गाइस, तो आप इसी तरीके से पूरे ऐप्स का क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर लीजिए जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उसके लिए फिर आप ये सब करे बाद ये देखिए स्नैपचैट भी आ गया है, यहाँ पर भी आप इसका क्लियर कैच कर दीजिए। अगर क्लियर डाटा करेंगे तो स्नैपचैट के आपके पिक्चर्स वो सब चले जाएंगे गाइस। ये सब करे बाद फिर आपको बैक आ जाना है गाइस। बैक आने के बाद ये देखिए शेरिट का भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए शेरिट का हो गया, उसके बाद आप बैक कर लीजिए। सिंपली बैक करे बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टोरेज, सिंपली स्टोरेज टाइप करके सर्च कर दीजिए गाइस। देखिए स्टोरेज आ गया है, यहाँ पर आपको ये देखिए नीचे कैच डाटा बोल के दे रहा है गाइस। ठीक है, तो आपको सिंपली कैच डाटा को क्लियर कर देना है गाइस। ये देखिए जैसा कि 472 MB का कैच डाटा है, ये देखिए इसे आप दो तीन बार करते जाइए, ये क्लियर हो जाएगा। आपका फ़ोन एकदम फास्ट और सॉफ्ट चलेगा, आपका जो प्ले स्टोर में डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।